हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया कब से आप न्यू टारगेट्स क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं, 15 तारीख को GDCE का नोटिफिकेशन आ रहा है। एक बार हम उसके सिलेबस को और देख लें। हमारे पास जो अभी तक बच्चे थे उनका हम प्री का सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करा चुके हैं। 3 टारगेट्स और बचे हैं जिसके अंदर हम लगभग सारा सिलेबस उनका प्री का सिलेबस तो निपटा ही देंगे। और प्री और अगर मेंस की बात करें तो बहुत हद तक सिलेबस कॉमन है, लेकिन हम जो अब टारगेट स्टार्ट करेंगे उसमें मेनली चीज़ें हम मेंस को लेके चलेंगे, साथ में जो ये प्री वाली चीजें हैं उसको हम लेके चलेंगे। तो जो लड़के अगर रह भी गए थे, मतलब अगर उन्होंने जीरो से भी स्टार्ट करना है, तो वो दोनों पेपरों को एक साथ लेके चल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो इसका CBT 1 का और CBT 2 का जो सिलेबस है बस उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, पहले आप बेस वो इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पार्ट है, उसके अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और उसके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत कम। तो आप सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट भी अगर कवर कर लेंगे, जैसे कि उसके अंदर है कि जो पार्ट है ड्राइंग सीट वाला जो पार्ट है उस चीज़ को आप कवर कर लीजिए, टी स्क्वायर के बारे में बात होती है उसकी बात कर लीजिए, जो सिंबल है उसके बारे में बात कर लीजिए, मतलब जिसे आप आसानी से नंबरों को गेन कर सकते हैं उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आप रिमेनिंग जो पार्ट बचता है उसको कवर करें, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन की बात करूं तो 40 क्वेश्चन में से 35 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों का यहीं से बन जाएगा जो आप लोगों को बताया गया है, जो मैक्सिमम फिजिक्स वाला पार्ट है, जो सेफ्टी वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, इसी के अंदर से आपके 35 क्वेश्चंस बन जाएंगे। रही 5 क्वेश्चंस की बात, तो उसमें से भी 3 क्वेश्चंस आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट कराया जाएगा वहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो बचे 2 नंबर उनके लिए आप जो चीज कवर करना चाहें वो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कवर नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी जो लेटेस्ट टारगेट शुरू होंगे उनका मेन फोकस रहेगा मेंस का सिलेबस, जिसके मार्क्स जुड़ने हैं। और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ज्यादा लिपटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ये समझिए जो प्री है उसे सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। अगर मैं मानता हूं 25,000 वैकेंसी भी आई और उसका कितने गुना, 20 गुना या 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो 20 गुना जब बच्चे लिए जाएंगे 25,000 के, तो आप समझ सकते हो 500,000 बच्चा हो जाता है। और 500,000 के अंदर हर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट आ ही जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी और 50-55 नंबर भी लेके आते हो तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन CBT 1 में श्योर है। खेल जो रहेगा वो CBT 2 के पार्ट ए का ही रहने वाला है। पार्ट बी की जो टेंशन है वो हम लोग पहले ही खत्म कर चुके हैं, बाकी अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बात और मैं बता दूं, फिजिक्स और मैथ्स वाली जो ट्रेड है वो आपको ऑप्ट करने तभी मिलेगी जब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट आएंगी, इसलिए उसके लिए मैंने क्लेरिफिकेशन आप लोगों को दे रखा है, वो पहले से पता है आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ गए होंगे कि जो टारगेट्स स्टार्ट होंगे वो 15 के बाद होंगे। अब हो सकता है वो 15 और 20 के बीच में स्टार्ट हो जाएं या और एक दो दिन डिले हो जाए, लेकिन वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, जितना अपना ग्रुप डी वाला बच्चा है उसको 95% से भी ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा एक सीट लेके जाएगा और बड़े आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो कंडीशंस हैं, देखिए अभी मैं आप लोगों को बता दूं, GDCE में अभी ये पूछा गया है कि भैया आप ये बताइए कि कुछ सर्विस कंडीशंस रखी जानी चाहिए। रेलवे एम्प्लॉय से इस तरह की कोई चीज़ पूछी गई है कि आप बताइए, आप लोगों के सुझाव मांगे गए कि क्या कुछ सर्विस कंडीशंस रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए, कि 3 साल की कंडीशन, 5 साल की कंडीशन, इस तरह की। तो अभी जब 15 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा उसी से क्लियर होगा कि भैया क्या सर्विस कंडीशन रखी गई है या नहीं रखी गई है, क्योंकि लोगों से सुझाव मांगे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम पर उसका मेल मैसेज और कहाँ मेल करना है वो सारी चीज़ें भेजी हैं, अगर आप चाहते हो तो वो कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो। वैसे रेलवे ने 12 तारीख या 13 तारीख तक मांगा है वो, तो अगर आप उन्हें बता दोगे तो निश्चित तौर से आप लोगों को भी चांसेस मिलने की उम्मीद रहेंगी। बाकी 15 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ तैयारी करवानी है, क्योंकि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी लगे हुए हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम GDCE की तैयारी करा रहे हैं, तो हम आप लोगों की तैयारी तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो निश्चित तौर से जितने लोग भी आप दोबारा से ज्वाइन करना चाहेंगे
तो वो ज्वाइन कर सकते हैं 15 तारीख के बाद से। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट डे चल रहा है 37, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद एक टारगेट और या दो टारगेट मैं और दूंगा, और उसके बाद एक टारगेट में जितनी रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो चीज़ें आपको कवर करनी है, कौन कौन से नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें उस टारगेट में बता दी जाएंगी। वो टारगेट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, 38वां टारगेट यहाँ भी मिलेगा, उसके बाद के एक दो टारगेट होंगे वो एप्लीकेशन पे डाल दिए जाएंगे, और आप लोगों का ये CBT 1 का सिलेबस का खेल खत्म, और 70-80% CBT 2 का भी खेल खत्म। बाकी जो 20% की तैयारी है अब वो हम लेके चलेंगे, इस चीज़ का हम रिविजन कराएंगे। तो चलिए अभी हम सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तो मैं इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को हम इसके अंदर टेस्ट भर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी बच्चा सिर्फ टेस्ट भी लगा लेगा ना गाइडेंस वीडियो देखने के बाद, अगर अभी और गाइडेंस वीडियो में हम लोग डालेंगे इसके अंदर, अगर आपने सिर्फ टेस्ट भी लगा लिए ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत हद तक चीजों को कवर कर जाएंगे। ये यहां पे फिजिक्स के भी हम डाल रहे हैं, और यहां पे मैं कह रहा हूं 95% चीजें आपको इन टेस्टों के अंदर से ही मिल जाएंगी। एक एक चैप्टर से तीन तीन चार चार टेस्ट अभी डलवा रहे हैं, उसके बाद एक एक टेस्ट और ऐड करवाएंगे, मतलब एक चैप्टर से कम 150-200 क्वेश्चन हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन तो ऐसा है कि शायद ही आपने उस तरीके के एक्सप्लेनेशन कहीं पर देखे हों। अगर आप देखना चाहें तो किसी भी चैप्टर का, मैं कह रहा हूं किसी भी चैप्टर का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, और आप लोग अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, टेस्ट की क्वालिटी आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी, और जब आप टेस्ट देंगे तो आप लोगों को बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट जरूर से जरूर लगाना है, हर चैप्टर के आप लोगों को जो टेस्ट दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाना है एक एक चैप्टर से। ये देखिए सॉल्यूशन देखिए उन टेस्टों के, जो टेस्ट के सॉल्यूशन है यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों के सामने सॉल्यूशन भरे गए हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अगर यहाँ पे आप थर्ड देखेंगे, ये देखिए पूरे के पूरे यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के आंसर को फिल किया गया है, जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अभी फ़िलहाल आप लोगों के और बताएंगे, आप लोग जब जुड़ना चाहेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, और फिर आप लोग जुड़ सकते हैं CBT 2 के लिए भी, और CBT 1 से लेकर CBT 2 तक फुल तैयारी कराई जाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं, अब देखो यहाँ, और इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, ये आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों से पूछ लेना उनको किस तरीके का कंटेंट दिया गया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं आज के आपके टारगेट पे जो चीज़ें बची हैं, और मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बची हों प्लीज़ आप लोग बता दें, जिससे कि हम वो चीज़ें भी ऐड कर दें। लेकिन GK के लिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, जितनी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं ये बहुत हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो निश्चित तौर से करिए, अदरवाइज़ जितना कराया गया है वो मोर देन इनफ है। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर दी जो आने वाली होती है, जिसमें गांधी जी का पार्ट इंपॉर्टेंट है और 1857 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मध्यकालीन भारत में हमारे लिए मुगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से भी रजिया सुल्तान वगैरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आप कवर कर चुके हो, लास्ट पार्ट है मध्यकालीन भारत का, इसके अंदर यूरोपियों का आगमन होगा, जो फ्रेंच कंपनी की बातें होती हैं। तो आप अब एक फ्लो जहां से दिल्ली सल्तनत से लेकर और लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी एनिशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग कर चुके हो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का भारत का यूरोपियों में आगमन, ये वाली चीज़ कवर करनी है, मिलेगी कहाँ कैसे करनी है वो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, तो आपको घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट उसके अंदर है। भारत के प्रमुख मंदिर, देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अगर आप सारे के सारे मंदिर रटने की कोशिश करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा, इसलिए जिन मंदिरों पे मार्क करके दिया गया है पहले उन चीज़ों को याद करिएगा, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एक दिन में याद नहीं होती हैं, ये आप मत सोचिए। लोग 10-10 बार पॉलिटी पढ़ते हैं, UPSC के लिए भी 20-20 बार पढ़ते हैं तब भी वो किताब याद नहीं हो पाती है, समझिए आप,
ठीक है। इसीलिए आप समझिए कि ये जो चीज़ें हैं ये एक बार में याद होने वाली नहीं है, ये नहीं है कि टारगेट पूरा हो गया तो आपको चीज़ें, इसीलिए हम आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे और आप लोग उन चीज़ों को कवर करते चलिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं आप लोगों को वो सब पता होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि भैया एक ही चीज़ की, चाहे वो राष्ट्रीय फूल हो, चाहे वो राष्ट्रीय फल हो, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर में छोटे छोटे हमारे स्टैटिक जीके का ये पार्ट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत एवं विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंची मीनार कहाँ है, ये पहले भी करवाया जा चुका है, लेकिन ये आप लोगों ने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं किया तो आप इस चीज का रिवीजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन वो लोग करें जिन्होंने नहीं किया है, वो सॉरी जिन्होंने कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग इसे फ्रेश तरीके से कवर करें और इसके नोट्स भी बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों को रटे होने चाहिए। जितनी जीके कराई गई है उतना तो आप कर ही लीजिएगा, उसके आगे जैसे भी जो चीज़ें लगती रहेंगी उन चीज़ों को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपडेट करना है वो मैं लास्ट टारगेट के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है, जो टारगेट डेट 12 है उसकी चीज़ें रखी गई हैं, जो हमारे नए बच्चे आए हुए हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। और देखो इसी के बहाने से आप लोगों का 20 से स्टार्ट हुआ था ना टारगेट डे, 20 से आप 12 कवर कर चुके हो, कितने 12, आगे के तीन टारगेट में तीन और कर लोगे, कितने हो गए 15, 15 टारगेट कवर करके पीछे वाले भी और नए टारगेट्स भी कवर करके आपने अपना पूरा सिलेबस निपटा लिया। सिर्फ 5 टारगेट बचेंगे, उनको आप जब मन चाहे तब निपटा लीजिएगा, क्योंकि 15 से आगे 16, 17, 18, 20 तक वो सारे के सारे टारगेट आप लोग निपटा लोगे और आप लोगों का भी सिलेबस प्री का कवर हो जाएगा। उसके बाद आप अब मेंस पे भी ध्यान देंगे, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा पूरा रिवीजन के लिए भी, और बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। टारगेट डेट 12 है, इसका कंटेंट आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल ही जाता है, सारा का सारा कंटेंट डाला हुआ है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस समय पे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो है वो अभी वाली बुक से करने हैं, उस वाले से नहीं करने हैं, पुराने वाले से अगर मैं टारगेट की पीडीएफ भी देता हूं तो उससे नहीं करना है। नया वाला जो आप लोगों की अभी स्पीडी की करंट आपके पास होगी वहां से आप लोगों को करने हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके अलावा योजनाएं, सरकारी योजनाएं तो पुरानी ही हैं, उसमें तो हर 6 महीने में एक आध योजना कोई जुड़ रही हो तो जुड़ रही हो, अदरवाइज वो सब पुरानी है तो वहां से कवर कर सकते हो। संविधान की अनुसूचियां, मौलिक अधिकार, ये सब पुराने हैं, ये कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, तो संविधान की अनुसूचियां आप लोगों को कवर करनी है, किस अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र है ये वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और ऑल प्रेसिडेंट की लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस समय में ये इंसिडेंट हुआ था, इस समय कौन राष्ट्रपति थे, किसके कार्यकाल में ये वाले काम हुआ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या सन 2010 में राष्ट्रपति के पद पर कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे सामने भी एक बार जब मैं पेपर देने गया था, एएलपी का ही पेपर था, पता नहीं जेई का था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टाइम पीरियड दे रखा था और वहां पर क्वेश्चन पूछा था, और बाकी पेपरों को भी आप देखोगे तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों को चीज़ें कवर करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस में, जैसे कि आप चैप्टर कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, पिछला पूरा हफ्ता इलेक्ट्रिसिटी को कवर करने के लिए दिया, और मैं मानता हूं 95% से ज़्यादा बच्चों ने वो चीज़ें कवर कर ली हैं, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि भैया आप एक दिन और लगा लेना, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हो उसको कवर कर लेना, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 13 है जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात हो रही है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके अंदर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को बस जनरेटर का सिद्धांत पता हो, विद्युत मोटर का सिद्धांत पता हो, ठीक है, कौन किस सिद्धांत पर काम करता है, आर्मेचर क्या होता है, कोयल क्या होती है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसके अंदर पूछा नहीं जाता है। तो जो आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा आप उस लेक्चर से कवर कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ 2 घंटे का भी चैप्टर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब आप ये मान के चलिएगा जो आपको 2 हफ्ते का टाइम मिला है उसमें आप ये मत समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी को 1 हफ्ता दिया गया और 1 हफ्ता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, ना, आप उसमें से 10 दिन इलेक्ट्रिसिटी को दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मान के चलिए आपका CVT2
में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 2 में भी यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो सीबीटी 2 के लिए भी है तो इसे 10 दिन दीजिए और 4 दिन दीजिए सिर्फ इसको, किसको, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, तब आप 14 दिन में इस चैप्टर को कवर करिए। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, जितना अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो प्लीज आप इस चैप्टर को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीबीटी 2 के अंदर भी है और 14 दिन का टाइम बहुत अच्छा होता है। एक एक न्यूमेरिकल हम टेस्ट तो अपलोड कराई देंगे, इनके सबके टेस्ट बन रहे हैं और टेस्ट अपलोड कराएंगे। एक एक चैप्टर से आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चंस के टेस्ट हम अपलोड कराएंगे। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपका चैप्टर टेस्ट अगर आप लगा लोगे तो उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर आप टेस्ट लगाइए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप बताइएगा कि भैया कहीं पर दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में। ये हो गया। वैसे टेस्ट के सॉल्यूशन हम इस तरह से करा देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि सॉल्यूशन के नीचे उसे सारी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर भी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी आप लोगों को कवर करने हैं। समझ आ गई है, जो 14 दिन मिले हैं उसमें ये दो चैप्टरों को दिए जा रहे हैं, ना कि एक हफ्ता सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को और एक हफ्ता विद्युत, क्योंकि ये चैप्टर एक हफ्ते का है ही नहीं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एक हफ्ते का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे का चैप्टर है, या ये मान के चलिए कि एक दिन का चैप्टर है। बाकी जो दिन है वो आप उसे दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगाइए, ये सारे के सारे, और टेस्ट लगाइए, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ, देखिए अब मैं जैसे आप ना, जैसे टारगेट डे 12 है और टारगेट डे 13 है, 13-14 तक ये चीज़ें दी गई हैं, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पेज 1, 2, 3, तो आप इन चीज़ों को एक साथ कवर कर लीजिए तो आपके आगे के टारगेट भी कवर हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 साउंड वाला जो चैप्टर है उसको आप कवर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली तो आप ये मान के चलिए कि आपके दो टारगेट एक साथ कवर हो जाएंगे, और आप जब 40वें टारगेट पर पहुँचेंगे तो लगभग आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आप लोगों का फिजिक्स में, आप को साउंड वाला चैप्टर कवर करना है। ये सिर्फ नए बच्चों के लिए है जिन्होंने, और जो पुराने बच्चे हैं वो इस चीज को रिवाइज कर लें। मान लो इस बात को, ये मत समझना कि भैया हमारा तो, हमें तो आता है, हम क्या करेंगे, आता उता कुछ नहीं है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। आप पढ़े हुए सब हैं इस दुनिया में, जितना आपके साथ जितना बच्चा बैठने वाला है ना, वो सब पढ़ा हुआ है। किसने 9th नहीं किया, किसने 10th नहीं किया, लेकिन कौन कितना ज़्यादा उस चीज़ को रिवाइज कर रहा है उसी के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया क्लास 9th, 10th, ये हो गया साउंड वाला चैप्टर करेंगे। उत्पन्न रोग और उनके कारक, ये कई बार आप कवर कर चुके हो, फिर भी आपने अगर कवर नहीं किया है तो इस चीज़ को कवर कर लेना। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री, देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बेस है, जो आपने बेस तैयार कर लिया। आई होप कि आपने मेरी वाली वीडियो भी देख ली होगी, जो मैंने बेसिक की वीडियो दी थी वो भी देख ली होगी। उसके बाद आप लोगों को एक सीट दी थी जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, आपने वो चीज़ें देखी होंगी। इसके बाद अब आप लोग क्या करें, अब आप इतने सक्षम हो गए हैं, आपने सारी आइडेंटिटीज़ वगैरह बनानी सीख ली हैं, कैसे फॉर्मूला बन रहे हैं, क्या हुआ है, तब आप अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स को मेरे टच किया गया। मैं आज फिर बता दूं आप लोगों को, आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो क्वेश्चंस देखने हैं वो अपने ग्रुप डी के क्वेश्चन देखना, एएलपी के देखना, और इसके बाद जेई के क्वेश्चन देखना। इन तीन एग्जामों के क्वेश्चंस देखना क्या टच हुआ है, और इसी के बेस पे अपनी तैयारी को बूस्ट देना है। ये नहीं करना है कि भैया एनटीपीसी में ये पूछा गया तो मुझसे भी ये पूछा जाएगा। आप सारी चीज़ों के पीछे मत पड़ना, पहले इन तीन एग्जाम को फोकस रखो, बाकी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जब कर लेंगे, देखिए आपने 14 दिन है तो उसमें से 2 दिन, 12 दिन में आप ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें कवर करिए। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, आपका अभी आगे जो चीज़ें चलेंगी, आपको जो गैप दिया जाएगा, जो चीज़ें छूटी हुई हैं उन चीज़ों को कवर करते चलिएगा धीरे धीरे। लेकिन मैंने इसमें लास्ट के 2 दिनों के लिए, जो आपका मंगलवार वाला दिन और सोमवार वाला दिन होता है, उसके लिए मैंने एलजेब्रा का बेसिक दिया है, उसमें आप एलजेब्रा का बेसिक सीखेंगे, मैं आपको लेक्चर दूंगा वहाँ से। और टारगेट डे 12 से पाई चार्ट एंड बार ग्राफ के बेसिक्स कवर करने हैं उन लोगों को जो नए स्टूडेंट हैं। बात करें रीजनिंग में तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबोइड, ये वाला चैप्टर आपके है तो नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं
कि अगर आप ये वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लेंगे ना, वैसे तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन आपको शाइको में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्यूब जो काउंट करने के लिए वहाँ पे आते हैं हिडन क्यूब्स, आप एक बार यहाँ पे क्यूब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा कि कहाँ पे किसके पीछे 3 होते हैं, कहाँ पे 9 होते हैं, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उस चीज़ में। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला चैप्टर इसे ज़्यादा सीरियस ना लेके इसके बेसिक्स जरूर देख लेना जो मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, तो बस उतना आप लोगों को करना है। इसके अलावा टारगेट डेट 12 में रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, उसका पार्ट 2 कवर करना है, बस ये चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ना साइको के लिए ना आपको CBT 2 के लिए, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बता दूँ यूट्यूब पर इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि हम लोग टॉप रैंक लेके आए हुए हैं। हम कहीं कब कुछ पढ़ने नहीं गए, कुछ नहीं करें हमने। देखो जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, और बस यूट्यूब या टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है कि मुझे कोई बता दे कि कहाँ से कितना पूछा जाना है, वो हम बताएंगे, कहाँ से कवर करना है वो वीडियो के भी लिंक हम तुम्हें देंगे, सारी चीज़ें जब हम आपको दे देंगे तो आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप बड़ी देखिए करा कराया मिलेगा ना थाली में, तो आप करोगे नहीं खुद सारी चीज़ें। अगर तुम्हें कर करके देंगे ना कि भैया यहाँ पे ये 200 क्वेश्चन भी मैंने ही करा दिए, ये मैंने थ्योरी भी मैंने ही करा दी, जब मैं दुनिया भर की चीज़ें मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे? जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना क्वेश्चंस, तब तक आप ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ आ गए, लेकिन वो क्वेश्चंस आने होने नहीं है आपको। इसीलिए बच्चे को टेस्ट दिलवाए जाते हैं, तो 150-150 क्वेश्चन जो एक एक चैप्टर के करवाए जा रहे हैं, और अभी जो आपका CBT 2 है उसके जो हर चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर्स, उनके भी हम लोग आप लोगों को टेस्ट बनवाएंगे और आपको सारे के सारे टेस्ट दिलवाएंगे। आप वो टेस्ट लगाइएगा, एक एक चैप्टर से कम 200-250 क्वेश्चन दिलवाएंगे, आप सारे टेस्ट लगाइएगा, मुझे नहीं लगता कि उनसे बाहर क्वेश्चन जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।